फ्रेंड, आज सभी का हमारे इस नए वीडियो में तय दिल से स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास मर्सिडीज C200 आई हुई है। फ्रेंड, इसमें कस्टमर जी का कंप्लेन क्या है, इनके कस्टमर ये कंप्लेन है कि इनके क्लस्टर मीटर पे एक वार्निंग शो करता है। वो क्या वार्निंग है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ये हमने इग्निशन ऑन किया है, अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने जैसी गाड़ी स्टार्ट किया, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए चेक ब्रेक पैड वेयर करके ये कंटिन्यू मीटर पे शो करता है। तो हमारे कस्टमर जी का कहना है कि ये क्यों शो कर रहा है करके, तो ये फ्रेंड किन कारणों से शो करता है वो भी हम आपको बताएंगे। ये तीन कारणों से आ सकता है आपका ये जो मीटर पे क्लस्टर मीटर पे कंटिन्यू शो कर रहा है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप इसका व्हील ओपन कर लीजिएगा। ओपन करके सबसे पहले इसका ब्रेक पैड का थिकनेस चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर ब्रेक पैड आपका घस गया रहेगा तो उसमें ब्रेक पैड में एक सेंसर दिया गया रहता है, वो सेंसर में पॉइंट आता है, वो जब पॉइंट घसने लगता है तो ये आपके क्लस्टर मीटर पे ऐसा वार्निंग शो करने लगता है। अगर आपका ब्रेक पैड नहीं गया रहेगा तो जो सेंसर का सॉकेट रहता है उसका वायर चेक कीजिएगा, कहीं चुहा हुआ काट दिया रहेगा। अगर वो भी नहीं काटा वाटा रहेगा तो आपको ब्रेक पैड का जो सेंसर रहता है, छोटा सा सेंसर रहता है, वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब हम इसका सबसे पहले टायर ओपन करेंगे। टायर ओपन करके चेक करते हैं कि हमारा ब्रेक पैड घस गया है या सेंसर का प्रॉब्लम है या वायरिंग चूहा काट दिया है। जो भी प्रॉब्लम रहेगा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड, ये ब्रेक पैड का सेंसर है, जो सेंसर ब्रेक पैड घसने की वजह से ये सेंसर आपको वार्निंग देता है कि आपका ब्रेक पैड खत्म हो गया करके। इसका ब्रेक पैड फ्रेंड ऐसे तो अच्छा दिख रहा है, फिर भी चाहिए तो आपको ओपन करके हम दिखा देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं, अभी हमारा ब्रेक पैड बहुत चलने लगा, 80% है हमारा ब्रेक पैड का, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख सकते हैं ये भी ब्रेक पैड 80% अभी है, तो ब्रेक पैड हमारा चलेगा। तो ये हमारा, हमने क्योंकि इसका देखिए सॉकेट है, इसका भी वायरिंग हमने चेक किया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये सॉकेट का मतलब वायरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा ये सेंसर का ही प्रॉब्लम है, ये ब्रेक पैड सेंसर का। तो अब हम ये सेंसर रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करके फिट करके फिर एक बार गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो हमने इसका सेंसर अरेंज कर लिया, देखिए ये इसका नया सेंसर है, ये इसका जूना सेंसर है, पैड में लगा हुआ है, ये देखिए हमारा नया है। ये हमारा जूना सेंसर है, देखिए इसमें ये लॉक को ध्यान दीजिएगा, ये लॉक नहीं रहेगा दोनों साइड तो आपका सेंसर ऑटोमेटिक अपने आप बाहर आ जाएगा। इस तरह आपको प्रेस करना है, ये हमारा प्रेस हो चुका है सेंसर, ठीक है, हमने इसको फिट कर दिया है। अब ब्रेक पैड को बिठा देते हैं। ये हमारा ब्रेक पैड हमने बिठा दिया है, ये सेंसर भी रिप्लेस कर दिया है, अब इसको हम फाइनल फिट करते हैं।
फिर हमारा सेंसर भी बैठ चुका है, उसको हम टाइट कर देते हैं। ये हमारा फाइनली पूरा टाइट हो चुका है, देखिए सेंसर हमने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हमारा ना वायरिंग का प्रॉब्लम था, ना ब्रेक पैड का प्रॉब्लम था, ये सेंसर का प्रॉब्लम था, तो हमने सेंसर रिप्लेस किया है। अब इसका टायर लगा देते हैं, टायर लगा के फिर गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि। तो फ्रेंड फाइनली हम अब इसका व्हील लगा रहे हैं, व्हील लगा कर फिर गाड़ी डाउन करके आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। हमारा देखिए व्हील भी डाउन हो चुका है, हमने व्हील टाइट कर दिया है। अब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके देखते हैं जो कंटिन्यू क्लस्टर मीटर पे जो वार्निंग शो कर रहा था वो अभी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने गाड़ी स्टार्ट की है, हमारा क्लस्टर मीटर का देख सकते हैं, तो देख सकते हैं ये हमारा मीटर पर कोई भी वार्निंग शो नहीं कर रहा है। देखिए जो हमारा ब्रेक पैड चेक वेयर करके आ रहा था, देखिए ऑटोमेटिक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ठीक है फ्रेंड, चाहिए तो हम इसका आपको मैसेज में भी दिखा देते हैं मैन्युअली कि मैसेज में कोई वार्निंग है कि नहीं, देख सकते हैं आप लोग। इसके लिए आपको इसमें जाना पड़ेगा, देखिए सर्विस में। ठीक है, ये देखिए ओके करके, देखिए कोई मैसेज नहीं है, नो मैसेज करके आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि पहले मैसेज में भी वो चेक ब्रेक पैड वेयर करके आता था। ठीक है, तो हमारा गाड़ी का जो भी प्रॉब्लम था देखिए सॉल्व हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे गाड़ी में जो प्रॉब्लम था, जो हमारे कस्टमर का कंप्लेन था कि बार बार कंटिन्यू मीटर पे चेक लाइट करके चेक ब्रेक पैड वेयर करके एक वार्निंग आता था, तो उनका कंप्लेन था, तो हमने उनके कंप्लेन को सॉल्व कर दिया है। इसमें हमने क्या किया है, हमने आपको इस वीडियो में बताया है, हमने जो ब्रेक पैड का सेंसर आता है वो रिप्लेस किया है। ठीक है फ्रेंड, और किन कारणों से वो वार्निंग आता वो भी हमने आपको बताया है। तो आज का हमारा वीडियो था, अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो और थोड़ा भी हमारे से थोड़ा लगाव हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।